गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग ना संडे का है, सैटरडे को आपने देखा होगा मैं यहीं पे रुकी हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो ये संडे मॉर्निंग का व्लॉग है। पापा को मैं दे रही हूँ यहाँ पे चाय, और मम्मी पापा थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो सबके सब? सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो हवा ले रहे हैं यहाँ पे सबके सब। पापा तो देखे खूब है सदो बाबरी पूछनी हो जाती पापा को। बाबरी पूछना हो तो एंड करने आज बाबरी पूछ। बाबरी पूछ होने से मैं बाबरी पूछ। बाबरी पूना होना ने बाबरी पूना होना बाबरी पूना होना। ना जा जा ना जा तू ना में ना जा। ठीक है गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। गर्मी बहुत चीटे हो रखे नीचे। चीटे आना नीचे मैच मरे हैं। मैं कहाँ तक खा जाना। गलम गलम गलम। आज का तारीख है मम्मी। गलम गलम। आज 21 तारीख है। 21 बजे 21 तारीख हो गई आज। 21 तारीख हो गई आज। मुझे तो पता ही नहीं। मायके में आके ना आदमी थोड़ा सा लेजी हो जाता है। और भले मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, बगल में मेरा घर है, रूम है, और यहाँ पे मैं भी लेके आ गई अपने लिए चाय। बेबी बैठ के आराम से पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे, क्योंकि ये कम्बल मैंने खुद ओढ़े हुए थे क्योंकि एसी की वजह से ही परसों मेरे पूरी बॉडी में पेन हुआ था। तो मैंने सोचा तो मैं अच्छे से कम्बल ओढ़ के सोऊंगी, फिर मैंने कहा सुखा देती हूँ। और ये देखो मेरी मम्मी की टूटी हुई चप्पल। क्या बनाया है आज? हरी हरी सब्जी। अरे हमारे लिए सैंडविच बनाने वाली थी मोटू राम, वो तो अभी तक उठी नहीं। 10 बज चुके। एक लड़की ने हमें प्रॉमिस किया था सैंडविच बनाने का, गया मेरा मोटूलाल। कूल ओला है मेरा मोतूलाल। ओला लला कूल हो रहा है मेरा मोतूलाल। मोतूलाम के चाले कपड़े छोटू राम हो रहे हैं। मोतूलाम के कपड़े छोटू राम हो रहे हैं। गुबलू 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 थूक क्यों निकाल रहे थे आजकल? थूक क्यों निकाल रहे? देखो अब लड़िया लगी रहता है, बस इनको देखता रहेगा है ना मम्मी। मैं तो लड़िया देखता रहता हूँ और मेरा कुछ काम नहीं है। नानी तो मेरा गोटी पकड़ती है डेली डेली, आप तो नहीं पकड़ते हो है ना। चलो फिर घर चलेंगे। तो सुबह सुबह के टाइम पे आ चल, थोड़ा सा आलस दिखाती है उठने में। तो यहाँ पे मम्मी का अफसोस का आवाज़ दे रही थी कि रोटी खाने तो उठ जा, तो वो उठी नहीं थी। उसने कहा आज मेरी छुट्टी है ना, मेरे को आराम से सोने देना, बाकी टाइम में उठ जाती हूँ, बट आज मुझे सोने देना। पर थोड़ा सा टाइम हो गया था, मम्मी ने कहा इसको उठाई, ऐसे तो नहीं उठेगी। तो फिर हमने क्या किया, रोते हुए बेबी को उसके सामने रख दिया। अभी वो हंस रहा है बट वो बहुत रो रहा था। फिर उसको उठना ही पड़ा उसको, क्योंकि उसके सामने सुलाया था, उसको डर लगा होगा कि शायद गिर भी ना जाए। तो मैंने उसको आवाज़ दी थी कि आजा तेरे सामने सुलाया है, तू देख लियो भैया। तो इसी बहाने वो भी उठ गई। तो बस अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ, और मम्मी और आंचल जो है बाकी ये काम कर रहे हैं। मैं नाचल गया तो तब तक थोड़ा सा बेबी को संभाल ले। और यहाँ पे मम्मी बनी हुई है सुपरमैन और चढ़ी हुई है पंखा साफ़ करने के लिए। हमने कहा था हम लोग कर लेंगे, आंचल ने कहा था मैं कर लूँगी, पर मम्मी है ना मानते नहीं है, तो वही बात है। तो लो जी, मम्मी थकार के बैठ चुकी है नीचे, क्योंकि मम्मी को अब एहसास हो चुका था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मजबूरी में आंचल को ही लास्ट में सफाई करनी पड़ी। उसने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मैं कर लूँगी, आप रहने दो, पर मम्मी है ना सुनती ही नहीं है किसी की भी। मम्मी हो उनको लगता है कि हम ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी भी गैस वगैरह क्लीन हो चुकी है, तो मैं स्प्रे करके थोड़ा रैक वगैरह क्लीन कर दूँगी। और आज ना आंचल की छुट्टी है, तो हमने कहा थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर देते हैं आज घर को, और बाकी टाइम मम्मी अकेले रहेगी तो इतना डीप क्लीन नहीं कर पाएगी। थोड़ा बहुत तो कर देती है, बट एकदम होता है ना डीप क्लीन, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कर देते, क्योंकि उसके बाद फिर मैं भी जाने वाली थी अपने रूम पे ना। मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देगा वो अकेले अकेले। देख जब भी मैं काम करने जाती हूँ रोने लग जाता है। उसको चाहिए मुझे गोदी पकड़ो या तो मेरे से बातें करो।
चलो इसके थोड़े से कपड़े मैं उनको धो देती हूँ, फिर चलते हैं घर। यहाँ पे बेबी के कुछ कपड़े थे, मैंने उससे मैं वॉश कर देती हूँ, जब तक मैं जाऊँगी तब तक ये अच्छे से धूप में सूख जाएंगे। और बस यही होता है हमारा मॉर्निंग रूटीन मायके में भी। तो यहाँ पे आंचल कर रही है पोछा, और मम्मी भी कुछ ना कुछ काम में लगी होगी, तो बस यहाँ पे ना सब होते हैं जिस दिन, तो उस दिन सब मिलजुल कर सारा काम जल्दी जल्दी से निपट जाता है। और फिर मैं भी अपने रूम पे आ जाऊँगी, तो वहाँ पे बस मैं भी अकेले हो जाऊँगी, फिर मुझे भी अकेले ही करना पड़ेगा। वही मैं आंचल से बोल रही थी कि यार यहाँ पे तो एक बेबी को संभाल रहा है, एक कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना, तो बट वहाँ पे ये हो जाएगा कि मुझे बेबी को भी संभालना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा खुद ही। तो अभी काम तो सुबह का हो चुका था, ये है दिन का व्लॉग। तो यहाँ पर हमारा लंच बन रहा था, मैं रायता बना रही थी, आंचल दाल चावल बनाती थी, आज उसने राजमा की दाल बनाई थी, काफ़ी टेस्टी बनाई थी। और यहाँ पर ना बेबी रोने लग गया, तो मैं अंदर आई तो मैंने देखा कुछ ये नज़र। भूख लगे से भूख भाजी बुकार बुलीर हेलो। बेबी को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, और वो ना मम्मी का हाथ खाने लग गया था, और पता नहीं इसने आज बहुत ही अजीब हरकत करी थी, तेज़ तेज़ की रोने लग गया, जैसे कि पता नहीं कब से भूखा होगा। ये ऐसे हरकतें स्टार्टिंग में करता था, लेकिन फिर इसने छोड़ दी थी ऐसे हरकतें करना, ये नॉर्मली रोता था फिर, है ना। बट आज इसने पहले के जैसे इतना चिल्ला चिल्ला के रोने लग गया और मम्मी का हाथ खाने लग गया। और तो बस उसी को फीड करवाया, और नानी का कॉल आया था गाँव से, तो नानी भी हंस रही थी उसे देख के। तो यहाँ पे कुछ मेहमान आ चुके थे पापा को देखने के लिए, तो बस वही चाय पानी दिया, और बगल वाले अंकल भी थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं छत से कपड़े लेके आ गई थी, आंचल ने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, लंच वगैरह सब कुछ हो चुका था, और फिर अभी हमें जाना भी था, तो बेबी के भी कुछ कपड़े वगैरह थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला दिया था। मैंने कहा आप बेबी के थोड़े से कपड़े वो लेके चलना, और आंचल भी आ रही है तो बेबी को लेकर चली जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत अभी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको एकदम से उठा के और तीसरी चौथी मंजिल नीचे लेके आऊँ। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरे हाथ पैरों में ना अभी भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो बस यहाँ पे आंचल बेबी को लेके जा रही है, और मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था ना, तो वो बेचारे तो यहाँ पे ना मैच देखने लग गए, और हमें कहा तुम जाओ मैं आता हूँ पीछे से। हमने कहा क्या फ़ायदा हुआ फिर आपके आने का है। तो फिर ये ना पानी का डिब्बा लेके आए थे, और कह रहे थे कि आज हमारे इधर ना पानी नहीं आया, या फिर हो सकता है इन्होंने भरा नहीं होगा, तो ये इन्होंने कहा मैं पानी का डिब्बा लेके आऊँगा, आप दोनों चल लो। तो बस यहाँ पे दीदी और मिल रहे हैं बेबी से, और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी दूर जा रहे हैं, बगल में तो जा रहे हैं और बाय बाय कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, बाय 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 दी।